दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपके जो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो उस प्रकार से स्प्लिट हो जाती है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे कि एक स्क्रीन के अंदर आपको दो स्क्रीन दिखाई देती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके जो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो स्प्लिट नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाते हैं, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सर्च का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है स्प्लिट, SPLIT। स्प्लिट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यदि दोस्तों आप इस ऑप्शन को बंद करना चाहते तो यहाँ पे जो नॉन का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि इस ऑप्शन को आप बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर स्प्लिट ऑप्शन है उसको बंद कर सकते हैं। थैंक यू।